Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. From today, we are going to start unit number 5, that is lighting for outdoor and special application. Today is our lecture number 1 and in this lecture, we are going to discuss about factory lighting. Before moving towards lecture, let us first discuss learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about factory lighting, industrial lighting fitting, benefits of good industrial lighting, type of luminaries used in different region of factory. Factory lighting. So, सबसे पहले हम discuss करेंगे कि factory lighting होता क्या है. Adequate lighting of factories is very important as it provides improved amenities for the employees, increased production and has a definite economic value in reducing accident. अब lighting यानी होता है किसी भी surface को हम या किसी भी area को जब हम light provide करते हैं with the help of an light source. तो फैक्ट्री में क्या होता है कि लाइटनिंग की जरूरत होती है क्योंकि फैक्ट्री में सारा काम किया जाता है और उसके कारण क्या होता है कि अच्छा लाइटनिंग अगर रहे, एडिक्वेट लाइटनिंग यानी अच्छा लाइटनिंग अगर फैक्ट्री में अवेलेबल होता है तो उसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है उनमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है काम के प्रति, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन इंक्रीज के कारण जो फैक्ट्री का इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी बढ़ता है और जो एक्सीडेंट्स है फैक्ट्री में होने वाले वो कम होते हैं. तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से फैक्ट्री लाइटनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री में. अ फैक्ट्री लाइटनिंग इंस्टॉलेशन इन कॉमन विद अदर इंडोर इक्विपमेंट शुड प्रोवाइड एन एडिक्वेट इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेस एंड प्रोवाइड गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट. अब फैक्ट्री लाइटनिंग जो है वो इंडोर हम लाइटनिंग करते हैं ना, घर की हमारी लाइटनिंग जैसे करते हैं उससे थोड़ी अलग होती है क्योंकि जो हम घर में लाइटनिंग करते हैं या जो घर में हम लाइट सोर्स लगाते हैं उसको उसका उसकी सीमा सिर्फ 4 दीवारों तक ही होती है, पर फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता. फैक्ट्री में क्या होता है कि कहीं सीलिंग जो होता है फैक्ट्री का किसी एरिया में बहुत हाई होता है, किसी एरिया में कम होता है, तो 4 दीवारी ऐसे पास पास नहीं होती, बहुत बड़ा एरिया होता है. तो इसीलिए जो फैक्ट्री लाइटनिंग हम करेंगे वो इस तरह हमें करना है कि सारी जगहें अच्छे से इल्यूमिनेट हो और जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम जो भी लाइटनिंग के लिए जो भी लाइट सोर्स यूज करेंगे उसका जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. यूनिफॉर्म है इंडस्ट्रियल लाइटनिंग फिटिंग. अब इंडस्ट्री में लाइट को हम जो लाइटनिंग सिस्टम ये करेंगे उसको फिट करने के लिए अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजिंग फिटिंग्स ये सब सारे यूज होंगे, तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टर यानी क्या होता है. अ रिफ्लेक्टर इज सिंपली अ टूल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट. रिफ्लेक्टर जो है वो किसी भी प्रकार की लाइट जो है वो क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स. दिस रिफ्लेक्टर्स आर मेड टू अकोमोडेट लैंप ऑफ रेटिंग फ्रॉम 40 to 1500 वाट एंड डिजाइन सो दैट दे कैन गिव एडिक्वेट एंड यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन. अभी जो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी लैम्प जिसका रेटिंग 40 to 1500 वाट के बीच में है, इन सारे लैम्प को ये क्या करते हैं अपने अंदर एकोमोडेट करते हैं, यानी हम अपने अंदर फिट होने की जगह देते हैं. और ये लैम्प फिर रिफ्लेक्टर्स और ये लैम्प का कॉम्बिनेशन जो है वो फैक्ट्री में क्या करता है, जितना चाहिए उतना और एक जैसा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है डिफ्यूजिंग फिटिंग्स. व्हेन मोर डिफ्यूज लाइट इज रिक्वायर्ड देन
than that given by standard reflector, a diffusing glass screen may be fixed across a standard type of reflector. Such fittings are used where highly polished articles are dealt with. अब क्या होता है, कभी कभी इल्यूमिनेशन में जो हमें लाइट चाहिए होती है वो सिर्फ स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर से हमें जो लाइट मिलती है वो काफी नहीं होती, तब हमें क्या जरूरत होती है, डिफ्यूजिंग फिटिंग की जरूरत होती है। तो डिफ्यूजिंग फिटिंग में क्या होता है कि एक डिफ्यूजिंग ग्लास का स्क्रीन वो फिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स में, जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्टर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ये जो स्क्रीन है इससे भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा और हमें इल्यूमिनेशन ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ये डिफ्यूजिंग फिटिंग्स कहाँ जरूरी होती है, जहाँ पर पॉलिश आर्टिकल्स यानी ऐसे आर्टिकल्स जिनमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है वो आर्टिकल बनते हैं फैक्ट्री में, वहां पर ये डिफ्यूजिंग फिटिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर। A reflector with a concentrated beam is employed in large machine shop and foundries where the fittings are mounted on a considerable height above the working plane. In such places, an ordinary reflector would have too wide angle of divergence and would waste a great deal of light on the wall. अब फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो वैसा ही एक सेक्शन होता है मशीन शॉप और फाउंड्री। फाउंड्री यानी कि जहाँ पर मशीन्स को वेल्डिंग का काम किया जाता है वहाँ पर। अब फाउंड्री यानी जहाँ पर मशीन के जो अलग अलग, पर मशीन शॉप यानी जहाँ पर मशीन के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, और फाउंड्रीज में आके फिर वो पार्ट्स को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। अब फाउंड्री में वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में आपने देखा है कि आर्क प्रोड्यूस होते हैं। अब ये आर्क सारे प्रोड्यूस होने के कारण जो वेल्डिंग या फाउंड्री शॉप का जो सीलिंग है बहुत हाइट पे होता है, तो ये हाइट पे सीलिंग होने के कारण जो लाइट्स लगते हैं वो भी हाइट पे लगते हैं। अब हाइट पे लाइट लगने के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाइट की रोशनी है वो नीचे तक पहुंचनी ही नहीं, ऐसा ना होने देने के लिए कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स का यूज किया जाता है। Enclosed diffusing fitting, an opal globe completely enclosing the lamp giving a very even and well diffused light is used when light color wall and ceilings are there. आपने देखा होगा कि एक लैम्प और उसके ऊपर एक कवरिंग, ऐसा एक ये होता है फिटिंग होता है, उसे कहते हैं enclosed diffusing fitting. ये सारी फिटिंग्स कहाँ यूज की जाती है, जहाँ पर जो वॉल्स है वो पेंटेड है और वॉल्स जो है वो जिनको कलरिंग किया गया है, ये सारी जगह पे ये इनक्लोज डिफ्यूजिंग फिटिंग यूज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है अच्छे इंडस्ट्रियल लाइटिंग के। सो फर्स्ट इज गुड इल्यूमिनेशन स्कीम इनकरेजेस द पर्सनल फॉर बेटर वर्किंग। अगर फैक्ट्री में अच्छा इल्यूमिनेशन स्कीम है यानी हर तरफ अगर अच्छी रोशनी है, तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको उनमें एक अलग इंथुजियाज्म होगा, एक अलग उत्साह होगा। इन कमर्शियल करेक्टली प्लान्ड स्कीम प्रमोट द सेल। अब जहाँ पर किसी चीज को बेचने की बात आती है कमर्शियली, तो अगर वो चीज के ऊपर अच्छा लाइटनिंग है यानी उसके हर एक पार्ट अच्छा डिटेलिंग अच्छे से दिख रहा है, तो क्या क्या होता है उसके कारण उस चीज का सेल बढ़ता है। इमेजिन करो कि आप कोई चीज खरीदने गए हो, वहां पर लाइट ही नहीं हो, आपने वो चीज को अच्छे से देखा ही नहीं, तो आप उसको नहीं खरीदोगे। पर ऑन कॉन्ट्रेटरी अगर आप किसी चीज को खरीदने गए हो, वहां पर लाइटनिंग बहुत अच्छा है, वो चीज लाइट में और उभर कर दिख रही है, तो आप उसको जरूर खरीदोगे। In a factory, lighting arrangements are planned to increase productivity and to improve quality of production. Factory lighting में जो lighting की जाती है वो इस प्रकार की जाती है कि जिससे factory में जो productivity है वो बढ़े और जो production का जो productivity हो रही है, जो जिस चीज का production हो रहा है
उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। करेक्ट एंड गुड इल्यूमिनेशन स्कीम अवॉइड द एक्सीडेंट। अगर फैक्ट्री में अच्छा इल्यूमिनेशन स्कीम होगा तो फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। एडिक्वेट एंड ग्लेयर फ्री इल्यूमिनेशन प्रोवाइड प्लीजेंट इन एटमोसफियर फॉर स्टाफ। यानी बराबर सही मात्रा में लाइट विदाउट एनी ग्लेयर, यानी ग्लेयर यानी हम सिंपल भाषा में ग्लेयर को कह सकते हैं चमक। तो ऐसा अगर इल्यूमिनेशन है तो जो वहाँ पर उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा एटमोसफियर, वर्किंग एटमोसफियर बनेगा। गुड इल्यूमिनेशन स्कीम इंक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर इल्यूमिनेशन स्कीम अच्छा है तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बाय प्रॉपर इल्यूमिनेशन स्कीम एनर्जी सेविंग विल बी इफेक्टिव एंड कॉस्ट सेविंग आल्सो। अगर इल्यूमिनेशन स्कीम प्रॉपर है तो एनर्जी सेविंग भी होगी और कॉस्ट पैसा भी बचेगा। इट शुड हैव सफिशियंट लाइट। एल्यूमिनेशन स्कीम ऐसा होना चाहिए कि जो सही मात्रा में लाइट प्रोवाइड कर सके। इट शुड नॉट स्ट्राइक द आईज, वो आंखों को चुभना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस ग्लेयर, वो किसी भी प्रकार की उसने जो लाइटनिंग सिस्टम है या लाइटनिंग है उसने किसी भी प्रकार का चमक, इनमें से चमक नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। इट शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच अ प्लेस दैट इट गिव्स यूनिफॉर्म लाइट। जो इल्यूमिनेशन स्कीम ऐसी, लाइटनिंग स्कीम ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिससे एक जैसा लाइट मिल सके। इट शुड बी ऑफ करेक्ट टाइप एज नीडेड। जैसे हमने पहले देखा है कॉन्सेंट्रेटेड रिफ्लेक्टर, ये सारा जैसा चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से लाइटनिंग स्कीम चेंज होनी चाहिए। इट शुड हैव सूटेबल सेट्स रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्टर्स भी बराबर जो जिसकी ज़रूरत है वो होना चाहिए। लिस्ट ऑफ ल्यूमिनरीज यूज इन फैक्ट्री लाइटनिंग एंड लक्स लेवल रिक्वायर्ड इन वेरियस एरिया। अब फैक्ट्री में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे टेस्टिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेल्स, कमीशनिंग, ये सारे स्टोर रूम, ये सारे जो अलग अलग एरियाज है वहाँ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर जगह पे एक जैसा ही एलिमिनेशन हो। कहाँ पर एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा लगता है तो किसी सेक्शन में एलिमिनेशन कम लगता है। तो फैक्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी जहाँ पर कुछ चीज़ें बनती है तो उस एरिया में एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सो यू कैन सी दैट ऑफिस बिल्डिंग है, उसमें हम ल्यूमिनरीज यानी लाइट सोर्स कौन से यूज कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, LED, CFL, जिसका रेटिंग है 500 लक्स। उसी तरह ये सारे अलग अलग एरियाज है फैक्ट्रीज में, और ये उस एरिया में हम ये सारे ल्यूमिनरीज यानी लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं, और उनका जो है उनका सभी का लक्स लेवल यानी इल्यूमिनेशन लेवल यहाँ पर लिया गया है। लक्स इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आउटडोर एरिया पार्किंग का जो है सबसे ज्यादा है क्योंकि वो आउटडोर एरिया में आता है। सो इन टुडे सेशन वी लर्न अबाउट फैक्ट्री लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग फिटिंग, बेनिफिट्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल लाइटनिंग, टाइप्स ऑफ ल्यूमिनरीज यूज्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ फैक्ट्रीज। थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट स्ट्रीट लाइटनिंग।